माफिया डॉन से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में 28 मार्च को मौत हो गई। माफिया मुख्तार अंसारी को जेल में देर रात हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया था। बेहोशी के बाद उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज दो डॉक्टर्स का पैनल उसका पोस्टमार्टम करेगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। माफिया मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम के बाद उसका शव उसके बेटे उमर अंसारी को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद मुख्तार को गाजीपुर जिले के कालीबाग के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। पोस्टमार्टम हाउस के आसपास पुलिस की कड़ी व्यवस्था की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्तार की मौत की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्तार की मौत की जांच 3 सदस्यीय टीम करेगी। कभी यूपी में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। मुख्तार के खिलाफ 65 केस दर्ज है। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी और 21 केस अभी भी विचाराधीन हैं। इन्हीं मामलों के चलते वो सालों से जेल में बंद था। माफिया मुख्तार अंसारी साल 2005 में पहली बार तब जेल गया था जब उस पर मऊ दंगे भड़काने का आरोप लगा था। ठीक उसके एक महीने बाद 29 नवंबर 2005 को एक बड़ी घटना को उसने अंजाम दिया। इस घटना में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड का आरोप मुख्तार और उसके भाई अफजल अंसारी पर लगा था। बस इन दोनों घटनाओं के बाद से मुख्तार कभी जेल से बाहर नहीं आ सका, यहाँ तक कि वो 5 बार विधायक भी रहा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार जेल में ही जनता दरबार लगाकर अपनी सरकार चलाता रहा। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, ब्रजेश सिंह कनेक्शन और बदला लेने के लिए मुख्तार अंसारी का फुल प्रूफ प्लान क्या था। बात साल 2005 की है, तब यूपी में दो बड़ी वारदातें हुई थी जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया और इन घटनाओं ने हर किसी को हिला कर रख दिया। माफिया मुख्तार पर पहला मामला मऊ दंगों से जुड़ा। मऊ में रामलीला मैदान में भरत मिलाप के दौरान दंगे भड़क गए थे। मऊ दंगे के बाद वो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। मऊ दंगे के वक्त मुख्तार का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो जिप्सी में अपने हथियार बंद गुर्गों के साथ दंगा प्रभावित इलाके में घूमते दिखाई दिया था। मुख्तार की AK-47 के साथ खुली जीप में फोटो भी वायरल हुई थी। इस वीडियो और फोटो के वायरल होने के बाद मामला गर्मा गया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद मुख्तार ने कहा था कि वो लोगों को समझा रहा था। इसी मामले में मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा था। इसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकल सका। जेल जाने के बाद वो सिर्फ 2 बार ही पैरोल लेकर बाहर आ पाया था। दूसरा मामला कृष्णानंद राय की हत्या का है, जिसका बीज साल 2004 में ही बो दिया गया था। कैंट में कटई पुल के पास साल 2004 में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय के बीच आमने सामने गोलियां चली थी। दोनों अपने अपने काफिले के साथ जा रहे थे। कटाई पुल पर जैसे ही दोनों का काफिला एक दूसरे के पास पहुंचा, तभी मुख्तार के एक शूटर ने कृष्णानंद राय को काफिले की गाड़ियों में देख लिया था। जैसे ही ये बात मुख्तार तक पहुंची, दोनों के काफिले रुक गए और उसमें बैठे लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों लोग इस गैंगवार में बाल बाल बच गए थे। बताया जाता है कि इस दौरान कृष्णानंद राय मुख्तार पर भारी पड़े थे। इस घटना के वक्त मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय दोनों विधायक थे। इस बात की चर्चा हर तरफ थी कि माफिया मुख्तार अंसारी जल्दी ही कृष्णानंद से इस हमले का बदला लेगा, जिसकी आशंका कृष्णानंद राय ने भी जताई थी। इसके बाद हुआ भी यही। मुख्तार के सरेंडर करने के बाद 29 नवंबर 2005 को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। घटना के वक्त कृष्णानंद राय को उनकी गाड़ी के अंदर भून दिया गया था। इस गोलीकांड में कृष्णानंद राय अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ गाड़ी के अंदर से निकल तक नहीं पाए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतिकुर रहमान उर्फ बाबू ने अपने साथियों के साथ 400 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग की थी। इस हत्याकांड में भी मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया था। तब कहा गया था कि मुख्तार ने जेल में बैठे बैठे बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला ले लिया है। इस हत्याकांड की जांच CBI को सौंपी गई थी। टीम न्यूज़ नेशन।